तो आज एक गप्पी फिश ने 100 से ज़्यादा बेबीज दिए हुए, बारीक बारीक बेबीज हैं। हालांकि 2 दिन हो चुका है, मैं 2 दिन से थोड़ा बिजी था, वीडियो नहीं कर पाया। तो आज गप्पीस मिक्स स्ट्रेंस हैं, थोड़े कोबरा गप्पीस हैं, थोड़े ब्लैक गप्पीस हैं, थोड़े मोज़ेक गप्पीस हैं, पूरे मिक्स स्ट्रेंस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, आप सबका फिर स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। आज हम अपडेट देने वाले हैं गप्पी फिश टैंक। जैसा आपने देखा था, मैंने क्लीन करके पूरा वेल सेटअप था, तकरीबन 1 महीने ज़्यादा हो चुके हैं। तो आज एक गप्पी फिश ने 100 से ज़्यादा बेबीज़ दिए हुए, बारीक बारीक बेबीज़ हैं। हालांकि 2 दिन हो चुका है, मैं 2 दिन से थोड़ा बिजी था, वीडियो नहीं कर पाया, तो आज कर पा रहा हूँ। 100 से ज़्यादा बेबीज़ दे दिए हैं, हालांकि लाइव कैच नहीं कर पाया मैं, कौन सी बेबीज़ दिए, कौन सी गप्पी फिश ने दिया, ये मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता। लेकिन अभी यहाँ पर सराउंडिंग में हमें 100 बेबीज़ देखने के लिए मिलेगी, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और साथ में इसका अपडेट है, गप्पी फिश टैंक का अपडेट है कि गप्पी फिश कैसा सेटअप चल रहा है। ये रिसेंटली हमने क्लीन करके थोड़ा बहुत चेंज किया था, और कैसा, बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं आपकी गप्पी फिश टैंक इतनी क्लीन नहीं रहते। भाई देख लो, गप्पी फिश क्लीन है। मैंने तकरीबन 1 महीने ज़्यादा हो चुका है, मैंने इसको पानी थोड़ा बहुत चेंज करता था हफ्ता में 30%। उसके अलावा कुछ दूसरा वाश वगैरह कुछ नहीं किया हुआ है। तो अपडेट दिखाता हूँ, चलिए मैं आपको गप्पी फिश टैंक का टोटली, इसके ऊपर पूरा बेस होगा गप्पी फिश एंड गप्पी फिश टैंक अपडेट एंड गप्पी फिश लेड 100 बेबीज। चलिए, तो यहाँ पर देखिए गप्पी फिश टैंक है, काफ़ी क्लीन लग रही है। कभी कभी कैमरे में क्या है, एग्जैक्ट हम कैप्चर नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी काफ़ी क्लीन है ये जो हम अभी देख रहे हैं। और साथ में देखे सैंड भी वगैरह सब क्रिस्टल क्लियर की तरह लग रही है। और ये प्लांट्स भी काफ़ी अच्छे ग्रो रहे हैं, विदाउट CO2, विदाउट ये जो है लो लाइट प्लांट्स है, जो लाइट देख सकते हैं यहाँ पर, जो बल्ब आता है उसको मैंने अल्ट्रेशन किया हुआ है। और ये गप्पीस हैं, गप्पीस मिक्स स्ट्रेंस हैं, थोड़े कोबरा गप्पीस हैं, थोड़े ब्लैक गप्पीस हैं, थोड़े मोज़ेक गप्पीस हैं, पूरे मिक्स स्ट्रेंस हैं। क्योंकि ये गप्पीस मेरे यहाँ चेंज होती रहती है, मुझे खुद पता नहीं था कब गप्पी कहाँ चले गई, ऐसा मेरे पास जाते रहते हैं। देखिए बेबीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, 100 बेबीज़ यहाँ पर छोटे छोटे हैं, तकरीबन 3-4 दिन के ही है ये। क्योंकि गप्पीस के लाइव बियर जो होते हैं फ्री स्विमर होते हैं, पैदा होने के इमीडिएटली जो है वो स्विम करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे हैं, क्या एक्चुअली मैं कैमरे में कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे हैं ये जो सामने हैं वही नज़र आ रहे हैं। ऐसे 100 गप्पीस जो है अभी टैंक में देखने के लिए मिलेगी। बहुत सारे लोग केयर कर, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बेबी गप्पीस जब होती है तो उसको कैसे अलग रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, क्या केयर करना चाहिए। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। देखिए मैं अलग नहीं करता हूँ, क्योंकि हर एक वीक में कोई ना कोई गप्पी बेबीज ले करती रहती है, मैं उसको अलग रखूँगा, कितने टैंक्स चाहिए उसके लिए, कितना उसका टाइम बढ़ जाएगा, और केयर करने के लिए बहुत सारी टैंक भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, उसी में छोड़ देता हूँ। जैसे नेचुरल में रहते हैं ना, उसी तरह नेचुरल में क्या होता है, ये खाते हैं, बड़े होते हैं, कभी कभी उनको भी खा लेते हैं, कभी बड़े होते रहते हैं। वैसे हाइडिंग प्लेस के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, लाइव प्लांट्स है, PVC पाइप्स हैं, वो हाइडिंग प्लेस के लिए काफ़ी बड़ी जगह है, इतना आसानी से ये इनको खा नहीं पाएंगे। फिर भी खा लिए तो मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि उसी को खाते रहते हैं, ग्रो होते रहते हैं। ऐसा ये मासिवली ग्रो होते हैं। आप सबको पता है मैंने 10 गप्पीस लाकर डाला था स्टार्टिंग, जो मैंने टैंक सेटअप किया था। 10 गप्पीस से लेकर अब तक इसके अंदर मोर देन 500 to 600 गप्पीस हो चुके हैं। जो मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं उन सबको पता है कैसे मल्टीप्ले हुए, ये मल्टीप्ले होते रहते हैं, और मेरे कजिन्स वगैरह लेके जाते रहते हैं, कोई ना कोई ब्रदर इन लॉ है, कजिन्स है, और कोई ना कोई लेके जाते रहते हैं अपने पास, जो भी आते हैं अच्छी लगती है थोड़े बहुत लेके चले जाते हैं, हम कुछ बोल भी नहीं सकते। तो इस तरह ये मल्टीप्ले होते रहते हैं, 500+ हो चुके हैं। इसलिए देखिए मैंने अलग नहीं रखा तब भी ये 400 to 500+ हो चुके हैं। सोचो अगर मैं अलग रखता इमीडिएटली, जब भी एक ब्रीड कर जाए अलग रख देता तो कितने ज़्यादा हो जाते। और इतना आसान भी नहीं है, देखिए यहाँ पर छोटे छोटे प्लांट्स हैं, अगर मैं नेट डालूंगा तो ये डिफूट भी हिट जाएगा, प्लांट्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसलिए मैं अलग नहीं करता, उसी में छोड़ देता हूँ। जो बहुत सारे लोग ब्रीडर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इस तरह के टैंक में वो ब्रीड नहीं करते, टब्स वगैरह में रखते हैं, ब्रीड करते इमीडिएटली बेबीज़ को अलग कर देते हैं। हम तो यहाँ पर टब में नहीं रखे, एक लो बजट टैंक सेटअप है जो काफ़ी अच्छे से सक्सेसफुली जो है ग्रो हो रहे हैं। लो कॉस्ट बजट का एक प्लानेट टैंक सेटअप है। बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि प्लास्टिक प्लांट्स का टैंक बनाएं। देखिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, प्लास्टिक प्लांट से बेटर ये रहेगा, क्योंकि ये क्या है, उसमें नेचुरल भी नेचर क्या है मिमिक करता है, जिसकी वजह से फिशेज बहुत जल्दी ब्रीड करती रहती है और देखने के लिए अच्छा मिलता है। और ये इनको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, हफ्ते में एक बार 30% पानी चेंज करो। जब भी आप पानी चेंज करो, हो सके तो लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड कर दिया करो इसके अंदर, काफ़ी है, ग्रो होते रहेंगे। महीने में एक बार जो है नीचे जो गंदगी यहाँ पर फंसी है, अभी देखिए गंदगी थोड़ी बहुत रेड कलर की लग रही है ना, उसको महीने में एक बार क्लीन कर लो, बस होता रहेगा।
देखिए प्लांट्स भी ग्रो हो रहे हैं। ये जो मेरे पास प्लांट्स है मैं पोर्ट में रखा हूँ 1.5 साल से है मेरे पास, ये जो स्वान फन की वैरायटी है मैंने उसको कभी ब्रीड नहीं किया। मुझे खुद मैं ऐसा ही रख देता हूँ, मुझे पता नहीं मैं क्यों ऐसा रख रहा हूँ, कभी कभी सोचता हूँ उसको निकाल के ब्रीड कर दूँ, लेकिन मैं उसी में रखना अच्छा लगता है तो उसी में रख दिया हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं ब्रीड कर दो, भाई मुझे ब्रीड का पता नहीं क्या उसके अंदर मेरा मामला है, जब भी मैं सोचता हूँ कि उसको दबा दूँ पोर्ट निकाल के इसके अंदर सैंड के अंदर, लेकिन हो ही नहीं पाता है, मुझे छोड़ देता हूँ मैं। इसी तरह वो हो रहा है, पता नहीं कब वो टाइम आएगा कि मैं उसको ब्रीड करूँ। तो चलिए एनी हाउ देखें, यहाँ पर छोटे छोटे बेबीज हैं, शायद मैं पूरे के पूरे कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ। अभी आप बोल रहे हो कि यहाँ पे 4-5 ही नज़र आ रहे हैं, आप 100 बोल रहे हो, भाई 100 भी कम बोला मैंने, मोर देन 100 है। लेकिन ये क्या होता है कभी कभी कैमरे में हम एग्जैक्ट दिखा नहीं पाते, छोटे छोटे चीज़ें हैं ना उसको कैप्चर नहीं कर पाते, मैक्रो कैमरा रहता तो वो कैप्चर कर लेते, लेकिन मैक्रो में क्या होता है सिर्फ फ़ोटो आता है वीडियो नहीं आता है। देखिए अभी मैं फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ छोटे छोटे बेबीज़ को, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, लेकिन आपको मूवमेंट नज़र आ रहा होगा मेरे सामने, यही 20 प्लस जो है बेबीज़ यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है कप्पीस की हमारे आंखों के सामने, लेफ्ट है राइट है, ये डी फुट के आसपास है और यहाँ के एडल्ट्स हैं। मेरे टैंक में ज़्यादा फीमेल्स हैं, मेल्स बहुत कम है, मैंने ब्रीडिंग के लिए रखा है इसलिए ऐसा है। और जितने जितने ज़्यादा ये ब्रीड करते रहते हैं उनका स्ट्रेंथ और उनकी कलर जो है वीक होता रहता है, क्योंकि ये ब्रीड करते रहते हैं ना इसलिए। देखिए यहाँ ऊपर से भी दिखा रहा हूँ बेबीज, ऊपर से भी नज़र आ रहे हैं। और ये देखिए ये मनी प्लांट अच्छे से ग्रो हो रहा है, इसके इसने रूट छोड़ दिए बहुत सारे, यहाँ पे रूट छोड़कर ग्रो हो रहा है। और ये ऊपर जो है डकवीट प्लांट्स है जो फ्लूटिंग प्लांट्स कहते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा हेल्प करती है, शटर देती है फिशेस को हाइडिंग प्लेस की तरह, और ऑक्सीजन भी सप्लाई करती है और देखने के लिए भी काफ़ी अच्छा लगता है। छोटे छोटे देखिए यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे बेबीज। तो ये है मेरा टैंक, गप्पी फिश टैंक, दूर से ऐसा लगता है काफ़ी ब्यूटीफुल है और काफ़ी अच्छा लगता है, लो बजट टैंक है, काफ़ी 1.5-2 साल से मैं अपने पास रख रहा हूँ और ये अच्छे से ग्रो भी हो रहे हैं, कोई कंप्लेंट नहीं है, प्लांट भी अच्छे ग्रोथ है। रिसेंटली मैंने ट्रिम भी किया था प्लांट्स को और ये तो ग्रो होते ही रहते हैं, इसको निकाल के फेंकता रहता हूँ। तो ये होगा कप्पीस टैंक मेरे पास, प्लैनेट टैंक जो है, और दूसरा है मेरे पास प्लैनेट टैंक ये श्रिम टैंक, इसमें भी श्रिम देखिए काफ़ी सारे हैं, मोर देन 200 मैंने ऑलरेडी सेल कर चुका हूँ और भी 100+ इसके अंदर जो है बन चुके हैं, और जो कलर टेट्रास है वो भी अभी अलाइव हैं पूरे, उसको भी रिसेंटली ट्रिम किया था मैंने हेयर ग्रास को, तो फिर दोबारा उसने 1 महीने के अंदर ग्रो हो गया, और भी ट्रिम करना पड़ेगा उसको, कट करना पड़ेगा। तो ये अपडेट था, सिंपल अपडेट था, बहुत ही सिंपल अपडेट था हमारा गप्पीस का, कि गप्पीस फिशेस कैसे ग्रो कर रही है और उनके बेबीज़ जो है कैसा ले करते रहते हैं, और ले करने के बाद हम उसको कैसा केयर करते हैं तो बता दिया, उसी में छोड़ देता हूँ, अलग नहीं रखता हूँ मैं, अलग रखकर उसको कोई देखभाल नहीं करता, उसी में छोड़ देता हूँ, जो बच गए बच गए, जो खा लिए खा लिए, इस तरह उसका फूड भी हो जाता है और ग्रो भी हो जाते हैं, जैसा कि नेचर में हम लोग ऐसा, हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते ना, नेचर में खुद बड़े होते रहते हैं, खुद खाते रहते हैं, खुद बड़े होते रहते हैं। अभी आपको शायद ये गलत लगे या बुरा लगे, लेकिन हमारे पास इतने टैंक्स हैं कि हम अलग टैंक में रख कर उसको रख भी नहीं सकते। अभी बहुत सारे लोग बोल सकते हैं सिर्फ मेल रख लो, ब्रीड क्यों करवा रहे हो इस हिसाब से, तो फीमेल क्या करूँ मैं रख के अपने पास, वो क्या फेंक दूँ क्या, तो ये भी होता है ना। तो फीडिंग में जो है मैं बारीक क्रश प्लेट देता हूँ, टेट्राबिट जो आता है स्मॉल वो देता हूँ, वो काफ़ी अच्छा फूड होता है, या आप टायो का भी स्मॉल पेलेट्स आता है जो कप्पीस का, वो भी दे सकते हो, या नॉर्मल जो पेलेट्स हैं उसको क्रश करके दे सकते हो। डेली 2 टाइम्स मैं फीड करता हूँ और हफ्ते में एक बार 30% पानी चेंज करता हूँ, महीने में एक बार जो है वो नीचे जो बॉटम में गंदगी फंसी रहती है उसको पाइप के सहारे वैक्यूम कर लेता हूँ। ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई हुई है किस तरह उसको क्लीन करते हैं, क्या इसका देखभाल करना है करके, आप चाहे तो जाकर उसको फॉलो अप कर सकते हैं उस वीडियो को। तो ये आज का अपडेट था, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसी तरह के बहुत सारे टॉपिक मैं लाता रहूँगा, फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय, खुदा हाफिज़।